गज़ल, गीत, नीम क्लासिकल, कीर्तन और कवाली म्यूज़िक की वो इसनाफ हैं जिनका तसव्वुर भी हारमोनियम के बगैर अधूरा लगता है। मगर कम लोग जानते हैं कि हारमोनियम का जन्म यूरोप में हुआ और 19वीं सदी के आखिर में बरतानवी मिशनरी इसे बरेसगीर में लेकर आए और वेस्ट बंगाल के शहर कोलकाता से ये साज़ पूरे बरेसगीर में फैल गया। आज हारमोनियम साउथ एशिया के बहुत सारे ममालिक जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में ज़ोर शोर से इस्तेमाल हो रहा है। हाय दोस्तों, मैं हूँ हारून शाद और आज की वीडियो में हम खुलासा करने जा रहे हैं 200 साल पुराने साज़ हारमोनियम का, जिसे बाजा भी कहा जाता है, जिसे फ्रांस ने बनाया, इंग्लैंड ने अपनाया और भारत ने बेहतर बनाया। अगर देखा जाए तो हारमोनियम का फादर इंस्ट्रूमेंट है पाइप ऑर्गन, जो कि साइज़ में बहुत बड़े होते थे और हवा के प्रेशर से बजाए जाते थे। लेकिन अगर हवा के प्रेशर में बदलाव आ जाता था तो इसके साउंड में फ़र्क आ जाता था। तब जाकर ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो कि कॉम्पैक्ट हो और एक्सप्रेसिव कैपेबिलिटीज़ का मालिक हो। तब लोगों को ज़रूरत महसूस हुई रीड्स की। रीड्स एक पीतल की एक छोटी पतवार है जो कि एक मैकेनिज़्म है और इसमें से जब हवा गुजरती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर हम ये कहें कि रीड्स हारमोनियम का दिल है तो बेजाना होगा। १८१० में एक फ्रांसीसी शख्स गैब्रियल जोसेफ ज़ेरन ने हारमोनियम से मिलते जुलते एक इंस्ट्रूमेंट की नुमाइश की जिसे एक्सप्रेसिव ऑर्गा का नाम दिया गया। लेकिन जो हारमोनियम आज हम देखते हैं इसकी बुनियाद सबसे पहले एक फ्रांसीसी शख्स अलेक्जेंडर डेबेन ने 1842 में रखी, जब उन्होंने जोसेफ गैब्रियल के ऑर्गन में कुछ बदलाव करके इसे हारमोनियम का नाम दिया और यहाँ से कहानी शुरू होती है हारमोनियम की। दरअसल अलेक्जेंडर डेबेन ही वो शख्स है जिसे हारमोनियम का मौजद समझा जाता है। मगर अलेक्जेंडर डेबेन के हारमोनियम में जो बेलो था वो पैरों में था और पैरों से पंखा दबाकर हवा दी जाती थी। 19वीं सदी के आखिर में हारमोनियम यूरोप में अपनी मकबूलियत की इंतहा पर था, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि छोटे गिरजाघरों और यहूदी इबादतगाहों में जहाँ पाइप ऑर्गन साइज़ में बहुत बड़े और कीमत में ज़्यादा होने की वजह से दस्तयाब नहीं थे, हारमोनियम ने जगह ले ली थी। और उस वक़्त के बेस्ट हारमोनियम मुस्टेल कंपनी के थे, जिसे एक फ्रेंच हारमोनियम मेकर विक्टर मुस्टेल बनाते थे। फिर जब 1930 में बिजली से चलने वाले ऑर्गन्स मार्केट में आना शुरू हो गए तो हारमोनियम यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता गैर मकबूल होना शुरू हो गया। मगर कुछ अतालवी कंपनीज 1970 तक हारमोनियम की प्रोडक्शन करती रहीं। अलेक्जेंडर डेबेन के हारमोनियम का दूसरा जन्म शुरू होता है 1910 में भारत से। ये वही हारमोनियम था जिसे पैरों से हवा दी जाती थी और ये 4 या 5 सबकत का होता था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हारमोनियम जो कि यूरोप में कभी अपनी मकबूलियत की इंतहा पर था, मगर हिंदुस्तान के मौसीकारों में ये फौरन मकबूल ना हो सका। इसकी पहली वजह तो ये थी कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक सिस्टम में तमाम लोग ज़मीन पर बैठ के गाते बजाते थे, जबकि हारमोनियम को बजाने के लिए स्टूल या चेयर पर बैठना पड़ता था और ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक सिस्टम में इसलिए भी कुछ मिक्स मैच नहीं हो पा रहा था। दूसरी अहम वजह थी हिंदुस्तानी संगीत का कॉन्सेप्ट ऑफ स्वर, जो कि हारमोनियम पर नामुमकिन था। हम जानते हैं हारमोनियम में तमाम सुर खड़े होते हैं और बहुत से रागों की असल शक्ल को हारमोनियम पर नहीं दिखाया जा सकता। ये भी एक रीज़न थी कि हारमोनियम भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनी जगह नहीं बना पा रहा था। मगर उस वक़्त के दो मशहूर कलाकारों गणपत राव जी और गोविंदा राव जी टिंबे ने अपने क्लासिकल कॉन्सर्ट्स में हारमोनियम का इस्तेमाल किया और मराठी और महाराष्ट्र ओपरा कॉन्सर्ट्स में इसका इस्तेमाल किया, तो देखते ही देखते हारमोनियम दिलचस्प एहतराम और मकबूलियत हासिल करने लगा। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि हारमोनियम को अंग्रेज़ों का साज़ कहकर इसकी मुखालफत की गई और तकरीबन 40 साल तक हारमोनियम ऑल इंडिया रेडियो पर बैन रहा। मगर हारमोनियम जैसे खूबसूरत साज़ जो कि सीखने में बहुत आसान था, लोग ज़्यादा देर दूर नहीं रह सके और ये भारत में आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होना शुरू हो गया। हारमोनियम का ये रूप जो आज हमारे सामने है, इसका क्रेडिट जाता है कोलकाता के द्वारकानाथ घोष जी को, जो कि अपने वक्त के एक मशहूर इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर थे। द्वारकानाथ घोष जी ने पहले हाथ से हवा देने वाले हारमोनियम का डिज़ाइन बनाया
और ये डिज़ाइन फिर फ्रांस और जर्मन के हारमोनियम मैन्युफैक्चरर्स को दिया गया और यूँ फिर फ्रांस और जर्मन ने इस रूप के हारमोनियम बनाकर हिंदुस्तान भेजना शुरू कर दिए। आज हमारा हमसाया मुल्क इंडिया हारमोनियम का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और हारमोनियम भी वक्त गुजरने के साथ साथ जिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिनमें 22 छुरतियों वाला हारमोनियम और स्केल चेंजर हारमोनियम और बहुत से नित नए डिज़ाइंस के हारमोनियम मार्केट में अवेलेबल हैं। यहाँ पर जर्मन जुबलेट रीड्स का भी जिक्र बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के दिन तक इंडिया पाकिस्तान में यकसा मकबूल हैं और साउंड में उनका कोई सानी नहीं। दरअसल जर्मन जुबलेट रीड्स वो रीड्स हैं जो 1911 से 1960 के दौरान जर्मन में बनाई गई। सो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। म्यूज़िक टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।